नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जॉब जंक्शन में एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं लेकर एचएसएससी की कल जारी हुई नोटिफिकेशन की डिटेल जानकारी लेकर। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2018 27/12 को ये पब्लिश हुआ है और ऑनलाइन जो सबमिशन की डेट है वो 19 जनवरी से शुरू होने वाली है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 18 फरवरी और फी की डेट रहेगी 21 फरवरी। यानी ध्यान रखिए 21 फरवरी फीस की डेट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18 है। तो पढ़ लेते हैं सर्कुलर, एक एक डिटेल आपको बताएंगे हम। बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने मंगवाई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर मेंशन कैटेगरी ऑफ पोस्ट यूजिंग द वेबसाइट ऑफ हरियाणा। HSSC की वेबसाइट पर आपको ये दी गई है। तो द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। फिर दोस्तों जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन है वो पढ़ लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा, एक 6/18 सर्कुलर आया उसमें भी है और इसमें भी ये पोस्टें हैं। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा के लिए ये पोस्टें जारी की गई हैं, जिसमें 179 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर सारी पोस्टें रीएडवर्टाइज्ड हैं, 179 पोस्ट हैं। और इंजीनियरिंग की डिग्री मस्ट है इनमें, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। फिर अगर आपके पास डिप्लोमा भी इंजीनियरिंग में ही चाहिएगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 17 से 42 साल की एज है और एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कैटेगरी नंबर 2 में इन्होंने पोस्ट मांगी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 49 पोस्ट है और वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास है। तो फिर ए लेवल बी लेवल का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट का डिप्लोमा हो, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी आफ्टर बीएससी, बीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैटेगरी नंबर 3 में आपकी 93 पोस्ट हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर रीएडवर्टाइजमेंट, फुल टाइम रेगुलर मोड, बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए आपका होना चाहिए एंड एमबीए होना चाहिए आपके पास, हिंदी और संस्कृत तो है ही। फिर दोस्तों स्पेस स्केल और ये तो तीनों के लिए अभी सेम है एज। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट 165 है कैटेगरी नंबर 4 में। बहरहाल सभी का कमोवेश जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम ही मांगी है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। कुछ में थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, डिटेल से इसको पढ़ लेना आपको सब पता चल जाएगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो हम इसके रिगार्डिंग आपके लिए लाइव सेशन करेंगे जैसे ही ये ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा। कैटेगरी नंबर 31 है आपकी दोस्तों अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर, 31 पोस्टें निकली है। इंजीनियरिंग में डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल्स में। फिर डिप्लोमा भी आपका इसमें चल सकता है, सभी में डिप्लोमा की भी एक शर्त है अगर आपके पास है तो आप वहां भी जा सकते हो। उसमें सिर्फ आपसे 2 साल का प्रैक्टिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस मांगेंगे वो। फिर कैटेगरी नंबर 6 में 2 पोस्टें जूनियर प्रोग्रामर की निकली है हेडक्वार्टर में। तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट डिवीजन आपके पास, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद फर्स्ट डिवीजन यानी एमसीए आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कैटेगरी नंबर 7 में 4 पोस्ट निकली है जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की दोबारा से, और आप में 10+2 हो, फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी। ओ लेवल का आपके पास अगर डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। डाटा पंचिंग स्पीड आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आर होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी भी आपके लिए है। कैटेगरी नंबर 8 में 1 पोस्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर टेक्नीशियंस की, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9 में 2 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, फिर आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आ जाते हैं खेल में। 101 पोस्ट निकली आपकी कैटेगरी नंबर 10 में जो है स्टोर कीपर की, यहाँ थोड़ा सा पढ़ने वाला है। फुल टाइम रेगुलर मोड, बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स और बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद मैथ्स। तो अब ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्टोर कीपर के लिए। फिर दोस्तों 35 पोस्ट लाइब्रेरियन की निकली है। लाइब्रेरियन के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन जूनियर लाइब्रेरियन इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कीजिए। फिर कैटेगरी नंबर 12 में 101 पोस्ट निकली है ग्रुप इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर अप्रेंटिसशिप्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स की, तो इसमें भी आपको मिलने वाली है जॉब। तो आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। 13 नंबर कैटेगरी कहती है आपको पोस्ट इंस्ट्रक्टर इन चार्ज वीमेंस के लिए स्पेशल, 2 पोस्टें निकली हैं ग्रुप इंस्ट्रक्टर की। बैचलर डिग्री इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग में आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर 14 नंबर कैटेगरी कहती है 8 पोस्ट ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज की, फिर और है वो है ग्रुप इंस्ट्रक्टर आपकी TTC इन फैशन टेक्नोलॉजी कटिंग एंड शूइंग एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क में और ड्रेस मेकिंग में। मोस्ट प्रोबेबली फैशन डिजाइनिंग और टेलर की ये वैकेंसी है आपकी, लेकिन इस पे आपके पास डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में कुछ आपसे मांगा गया है। तो ये तो आपकी 14 कैटेगरी 7/18 सर्कुलर में है, लेकिन 1 से 14 की जो कैटेगरी है उनमें जनरल मेल फीमेल की 150 रुपये
अदर स्टेट की हैं वो, और मेल हरियाणा की है उनकी, लेकिन फीमेल जो हरियाणा से है 75 रुपीज़ लगेंगे। SC/BC कैंडिडेट हरियाणा के हैं, मेल के 35 और फीमेल के 18 रुपये फीस लगने वाली है। नीचे लिखा है डिपेंडेंट ऑफ ESM एंड DFF आर रिक्वायर्ड टू पे फीस एज फॉर जनरल SC और BCA BCB, यानी उनको इस तरह से फीस अप्लाई करनी है। तो ये एक आपका डिटेल सर्कुलर था, साथ में इन्होंने री एडवर्टाइजमेंट की पोस्टें हैं, री एडवर्टाइज हुई है, तो इनको आप दोबारा फिर से ध्यान से देख लें। कैटेगरी अब नई स्टार्ट की है, ओल्ड वाली ये थी, इनको आपको भूलने की जरूरत है अभी। खैर, तो ये पूरा आपका एक डिटेल्ड सर्कुलर था, मैं आपके लिए लेकर आया था। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो 90 नंबर का आपका रिटन एग्जाम और 10 नंबर का आपका सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप तैयारी के लिए लग जाएं जैसे ही एग्ज़ाम फिल करें। और फिल करने की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके लिए हम एक डेफिनेटली आपके लिए लेके आने वाले हैं सेशन, और एक वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में जैसे ही एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट होता है। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि किसी भी तरह से कोई भी अपना व्यूअर, कोई भी एलिजिबल स्टूडेंट मिस ना कर दे इस वैकेंसी को। तो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। आप सभी का दिन शुभ हो।